देखिए भाई, अगर आपने ब्लॉगर वेबसाइट बनाए हैं तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है आप यहाँ से एडसेंस से अप्रूवल लेके पैसे कमाना चाहते हैं। अब चाहते हैं इसके अंदर आपको ढेरों ट्रैफिक आ जाए और जो ट्रैफिक आए वो गूगल से ऑर्गेनिक आपके पास आए ताकि एडसेंस आपको अच्छा खासा रेवेन्यू दे, आसानी से एडसेंस आपको अप्रूवल दे। लेकिन ये सारी चीज करने के लिए आपको हर एक चीज को पर्टिकुलर समझने पड़ते हैं और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आप देखोगे सेटिंग्स के ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखने को गूगल एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी। अब यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपके गूगल एनालिटिक्स के मेजरमेंट आईडी डालने पड़ते हैं। ज्यादातर केस में मैंने देखे हैं जितने भी वेबसाइट लोग हमारे पास स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं या फिर नए नए ब्लॉगर वेबसाइट बनाते हैं, वो इस आईडी को समझ नहीं पाते या फिर देते नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा आईडी होते हैं जिसके मदद से आप अपने ट्रैफिक को ऑर्गेनिकली देख सकते हैं, कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रहा है, कौन से पोस्ट के ऊपर आपको कितना ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक आपको कहां कहां से आ रहा है, ट्रैफिक आखिरकार कितने एज के आ रहा है, मेल आ रहा है या फिर फीमेल आ रहा है, कौन से डिवाइस यूज कर रहे हैं, कितने देर तक कौन से पोस्ट के ऊपर रुके हुए हैं, इन सारे चीजों को आप लोग देख सकते हैं। अगर इन सारे चीजों को अगर आप बखूबी से देखोगे और एनालिसिस करोगे तो जाहिर सी बात है दिन ब दिन आपके ब्लॉग जो है वो हाई लेवल होता जाएगा और जितना आपके ब्लॉग हाई लेवल होगा उतना ही ज्यादा आपके रेवेन्यू होगा। तो बात करते हैं इस आईडी आपको कहां पर मिलेंगे और इसको आप कैसे यहां पे लगा। तो बेसिकली ये गूगल एनालिटिक्स के आईडी होते हैं। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स के अभी तक अकाउंट नहीं ओपन किए हैं आपके ब्लॉगर वेबसाइट के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आज ही आप लोग एनालिटिक्स आईडी ओपन करो और उसको गूगल सर्च कंसोल से वेरीफाई करवा लो, क्योंकि आप अगर हमारे केस में देखोगे यहाँ पर हमने सारी चीज को वेरीफाई करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे गूगल एनालिटिक्स को भी हमने यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई करके रखे हैं। तो बेसिकली हमने गूगल एनालिटिक्स आईडी पहले ही बना चुका था, उस बारे में वीडियो भी डाल के रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कैसे गूगल एनालिटिक्स के आईडी बनाया जाते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर गूगल एनालिटिक्स उसके बाद पीसी ग्रबर ऐसे सर्च कर सकते हो एंड उसके बाद आपके सामने जो वीडियो आएंगे इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हो कैसे आप एनालिटिक्स आईडी यहां पे लगाओ। इस वीडियो को देखकर आप जान सकते हो कैसे आप एनालिटिक्स के अकाउंट अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए ओपन करोगे। और वैसे भी आई बटन पे अभी वीडियो आ रहा होगा जहां पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो कैसे आप एनालिटिक्स के अकाउंट बनाओगे। एनालिटिक्स आईडी ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन घबराना मत, यहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर हमें व्यू मिले हैं, कौन से कंट्री से मिले हैं और यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक सर्च या फिर डायरेक्ट कहाँ कहाँ से हमें व्यूज मिले हैं, सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारा चीज है। तो अब हम यहाँ पे अपने ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर एनालिटिक्स मेजरमेंट आईडी को डालेंगे। अब यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स बटन यानी एडमिन पैनल देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे बहुत सारा सेटिंग्स रह जाएंगे, आप लोग ढूंढने में तकलीफ में पड़ जाओगे। अब यहाँ पे आपको डाटा स्ट्रीम्स करके एक ऑप्शन रहेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप ये ऑप्शन नहीं पा रहे हैं तो अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना, ये ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस रहेंगे, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस रहेंगे। अब यहाँ पे ना आपके सामने मेजरमेंट आईडी दिखने के लिए मिल जाएंगे, आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के लिए यहाँ पर कॉपी बटन है, इसके ऊपर आप लोग कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पे ब्लॉगर के ऊपर आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपके आईडी पेस्ट कर देना है। जैसे आप अपने आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसके बाद आपको सेव बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे आपके यहाँ पे एनालिटिक्स आईडी कम्प्लीटली डालना हो जाते हैं और उसके बाद से ही आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट को और भी बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। मतलब जितने भी ट्रैफिक आएंगे, कहां कहां पे क्लिक हो रहे हैं, किन किन पेजेस के ऊपर कितना ज्यादा आपके एंगेजमेंट टाइम है, वो सारे के सारे आप लोग देख पाओगे। देखिए आज की वीडियो बहुत ही छोटा था लेकिन इसके अंदर आपके लिए एक बहुत ही तगड़ा काम की चीज हमने बताए हैं। जितने भी चीज बताते हैं वो हमारे 8 साल के यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस से जितने भी सीखे हैं वही चीज एज इट इज आपको बताते हैं। अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये चैनल एक तोहफा हो सकते हैं। मेक श्योर गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमें मोटिवेट करना ताकि इन फ्यूचर ऐसे ही कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर पाए। कमेंट करके हमें बताना अगर कोई भी और सेटिंग्स को लेकर आपको परेशानी है तो हम जरूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पीसी ग्रबर टीम कभी भी आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं पूछते हैं। तो ऐसी चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे या फिर हमारे ईमेल पे मत डाला करिए।